ये सब हम ड्राइंग रूम से ले जाएंगे डाइनिंग स्पेस में रखने। देखिए हमने भगवान का आसन यहाँ पे बना दिया है। ऑन दिस चैनल और मैं आज व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मम्मी के घर से, क्योंकि हम यहाँ पे करने वाले हैं बहुत सारी शिफ्टिंग, क्योंकि हमें पापा का आसन के लिए जगह चाहिए। तो घर में आज बहुत सारे काम हैं, घर में सारी शिफ्टिंग फर्नीचर की इधर उधर करनी है। तो बस आज मम्मी ने बोला जल्दी आ जा और लग जा काम पे, तो मैं हो गई हाजिर। क्या क्या करना है? ज्योत्सना कहाँ गई? गोल गोल घूम गई। तो ये सब हम ड्राइंग रूम से ले जाएंगे डाइनिंग स्पेस में रखने, क्योंकि हम पापा को रखेंगे इस वाले ड्राइंग रूम में, और इस वाले ड्राइंग रूम में भी जो लोग दर्शन के लिए आएंगे वो बैठ सकते हैं, प्लस जो लंच होगा वो डाइनिंग टेबल पे सर्व होगा, और हम बाकी सारे चेयर्स भी इस पूरे एरिया में लगा देंगे। धीरे से घुमा के इसको इधर कर दो। देखिए हमने भगवान का आसन यहाँ पे बना दिया है। ये एक्चुअली हमारा टीवी यूनिट है, हमने हमेशा इसी पे रखे भगवान, और यहाँ पे जो 3 सीटर सोफा था वो हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया है, और यहाँ पे 2 सीटर है, यहाँ पे सारा कारपेट आ जाएगा और ये पूरा हॉल की लुक आ जाएगी। अब हमें सेट करना है डाइनिंग रूम, डाइनिंग टेबल पूरा खाली करना है, इस पर कवर बिछाना है। ये ड्राइंग रूम की चेयर्स जो यहाँ पे आ गई हैं, क्योंकि हमने वहाँ से पीछे से टीवी यूनिट हटा दिया, तो हम चेयर्स को उधर पुश कर देंगे। और हाँ, अभी मुझे चेक करनी है ये वाली लाइट्स कि ये जल रही हैं कि नहीं, तो ये भी लगेंगी ड्राइंग रूम में। मैंने सारा काम कर दिया तुम लोगों का? हाँ, सब वहाँ पे शिफ्टिंग सब कर दी है, तो और किसने किया? मैंने नहीं किया, तो मम्मी ने किया। तो बस वीडियो बना रहे हैं। ओह कितनी झूठी है। मेरी हालत देख के आप लोगों को लग ही रहा होगा कि मैं कितना काम मैंने भी किया है, और मैं एकदम थक गई हूँ। गाइज ये मेरी दादी का रूम, और मैं जब भी इस रूम में आती हूँ ना, मुझे अभी भी उनकी प्रेजेंस फील होती है। और ये देखिए, ये मेरी दादी की फ़ोटो है, ये बहुत प्यारी है। और ना मेरी मम्मी ने उनकी सारी चीज़ें देखो अभी भी संभाल के रखी हुई है, उनका फ़ोन है, ये उनकी पोथी है जो भगवान की बुक्स, और ये उनका चश्मा, घड़ी, पेन जिससे वो लिखती थी, सब कुछ मम्मी ने बहुत अच्छे से अभी भी संभाल के रखा हुआ है। हमने एक गमला भी यहाँ पर रख दिया है, तो वैसे ये अभी भी फाइनल लुक नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी भी यहाँ पर टेबल आनी है, एक भगवान का वो आर्च आएगा पूरा फूलों का, बट हाँ मोर और लेस सब हो गया। तो मैं जा रही हूँ। ओके, शाम में कितने बजे मिलना है? 5:30 और 6। अच्छा ठीक है। नहीं 5:30 6 तो नहीं होगा, 5:30 और 6 o'clock। सिम्बा बुलबुल को आते आते 6:30 बज जाते हैं, तो फिर 7 बजे। बाय। तो मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि सिम्बा बुलबुल के वॉक का टाइम हो गया, और यहाँ पे भी सारी सेटिंग वेटिंग हो चुकी है, बस अब हमें शाम को लेने जाना है पापा को, और फिर इसलिए मैं वापस आऊँगी यहाँ पे। एंड पापा के साथ साथ हमें सारा मतलब प्रसाद और पूजा का सामान, फ्लावर्स ला सब हम आज ही ले लेंगे, क्योंकि कल सुबह सुबह पंडित जी आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली सुबह बिल्कुल टाइम नहीं होगा। मुझे पता है घर में बहुत सारी भागा दौड़ी हो रही होगी ऑलरेडी, तो बस अब जो भी काम करना है, तोरण वोरण सब कुछ, दरवाजे के वो सब कुछ हमें आज कर लेना है। सो गाइस मैं यहाँ पे आई थी बिल्डिंग में, मैं सोचा घर जाने से पहले आज एक बार फिर से चिक्की को ढूंढ लूँ, बट नहीं मिला। ये भैया बता रहे हैं सिक्योरिटी वाले कि सुबह शायद उन्होंने देखा था उसको, अभी तब से तो नहीं देखा। यार उसको मैं कैसे बताऊँ कि मैं उसे ढूंढ रही हूँ? क्या मतलब टेलीपैथी करूँ कि उसको पता चल जाए कि यू नो आई एम लुकिंग फॉर हिम, एंड
चलो चलते हैं, क्या ही कर सकते हैं। हो सकता है उसने अपना एरिया भी चेंज कर लिया हो, मुझे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो। वैसे तो होगा यही पूरे टाउनशिप के अंदर ही, एंड देर आर मैनी फीडर्स, उसकी भी मुझे इतनी टेंशन नहीं है। बट क्योंकि वो छोटा बच्चा है और सिम्बा बुलबुल के साथ खेलता था तो मेरी को भी बहुत अटैचमेंट हो गई उससे, इसलिए थोड़ी टेंशन है बस। चलो नहीं दी, सब चलते हैं घर, क्योंकि यहाँ तो वही प्रॉब्लम ये है कि अंदर नहीं जा सकती मैं, सारा ही सब कुछ ही मतलब अभी भी यू नो रास्ता वास्ता है नहीं अंदर जाने का और ढूंढने का। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं घर क्योंकि अब बहुत काम है, पापा को भी लेने जाना है तो आई होप मिल जाए यार, जल्दी मिल जाए, प्रे करो यार मिल जाए मुझे वो छोटा बच्चा। हाँ लीश लेके आयो आप, आ रहे हैं राहुल थोड़ी देर में, फिर जाएंगे घूमी क्या। हाँ हाँ मेरे सिर पे चढ़ जाएगी तो थोड़ी ना मैं ले जाऊंगी। सेट सेट डाउन बुलबुल, फिर तू बैठ जा मेरे छोटा बाबा, मम्मी के पैर पे नहीं चढ़ जाना। ओ अभी आ रहे राहुल बस थोड़ी देर में। नहीं क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, हाँ हाथ पकड़ के ले जाओगे आप मेरा, क्या हो गया क्या हो गया मेरी बुलबुल को। कुकुटी कुकुटी कम तुम, देखो सिम्बा भी तो वेट कर रहा है ना, आप ही थोड़ी देर वेट करो। बुबू हाथ लगती है, हाँ अच्छा रस्सी रस्सी दे रही अपनी, हाँ 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 आपकी लीश पकड़ के जाना है बाहर, आपकी लीश के साथ जाती है बुलबुल बाहर। बुलबुल तो गुड गर्ल है, बुलबुल तो गुड गर्ल है, हाँ लीश के साथ जाएंगे। चलो 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 आ गया ना। पापा निकल चुके हैं अपने घर से और वो मुझे करेंगे अभी पिक और फिर हम जा रहे हैं पापा को लेने। टिंग 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 स्टार्ट कर रहे हैं और फिर हम लेके जाएंगे इनको घर। Few moments later. पिंकी बोला था हमने। Guys, आज हमारा रेडी हो गया, हम जा रहे हैं इसे घर लेके, लेट भी हो गया बहुत ज्यादा। देख लो यहाँ पे हमारे पापा का आसन रेडी हो गया और पापा ने लेजर वाली लाइट भी लगा दी है, इट्स लुकिंग सो प्रिटी। और अभी हमने पापा को यहाँ पे नहीं रखा है, हमने कहीं और जगह पे रखा हुआ है, कल जब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तब हम पापा को यहाँ पे लाके विराजमान करेंगे। डिस्को लग रहा है पापा, ये हाँ ये लाइट अच्छी है हल्की, जैसे ये जो इंग्लिश लाइट्स है ना। सो गाइस प्रिटी लग रहा है ना, कमेंट करके बताना जल्दी जल्दी। और ये सारा मेरा और मम्मी का ही आइडिया था, नहीं पापा का भी आइडिया था थोड़ा थोड़ा, एंड मैं क्रेडिट दे देती हूँ वरना वो गुस्सा हो जाएंगे ये ब्लॉग देखेंगे तो।
एंड बस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत सारे काम थे एंड अब कल भी बहुत सारे काम हैं, तो कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना, कल बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू।